बता दें, घर का खाना एक पौष्टिक आहार माना गया है और मम्मी के हाथ से बनी मुलायम रोटी का तो जवाब ही नहीं है। लेकिन हाल ही में एक रिसर्च में अमेरिका के वैज्ञानिकों ने बताया कि उन्होंने अमेरिका के बोस्टन प्रांत के 69 घरों से खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली 239 नेचुरल गैस के सैंपल लिए थे। इसके बाद उसमें 21 जहरीली गैस पाई गई थी। इसमें बेंजीन, टॉल्यूनी, एलिथ बेंजीन, जायलीन और हेक्सीन प्रमुख जैसी जहरीली और कैंसर को दावत देने वाली कार्सिनोगेनिक गैस निकल रही थी। यानी आपकी रोटी जिस गैस चूल्हे पर बन रही है उसमें वैज्ञानिकों को जहर की मिलावट मिली है। वहीं अगर बात करें भारत की, तो यहाँ दिल्ली स्थित उजाला सिंह अस्पताल के मुताबिक सिर्फ LPG गैस ही नहीं, अगर हम पेट्रोल, डीजल या लकड़ी कुछ भी जलाते हैं तो उससे कोई न कोई गैस केमिकल रिएक्शन की वजह से निकलती ही है। इसी कड़ी में LPG गैस के जलने से बेंजीन गैस निकलती है जो कि एक कार्सिनोगे है जिससे कैंसर होने की संभावना है। लेकिन उसकी मात्रा विदेशों में नेचुरल गैस से निकलने वाली बेंजीन के मुकाबले काफी कम रहती है। पारस अस्पताल के श्वास रोग विशेषज्ञ के मुताबिक कार्सिनोगेनिक गैस अगर नाक या मुंह के जरिए शरीर में प्रवेश करती है तो वो फेफड़ों पर बुरा प्रभाव डालती है और इससे कैंसर के अलावा अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और सांस फूलने जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। इसलिए किचन को हमेशा सबसे ज्यादा वेंटिलेशन की व्यवस्था में रखना चाहिए और किचन में चिमनी भी लगवानी चाहिए।